भारत के प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रधानमंत्री पापा जानते। हेलो हेलो क्विंटल क्विंटल हाँ हेलो क्विंटल क्विंटल क्या क्विंटल मोबाइल ये क्विंटल हट बेटा, तेरे पापा की तो रसगुल्ले की दुकान है, तेरा खाने का मन नहीं करता? अरे बहुत मन करता है अंकल, लेकिन पापा गिन के रखते हैं, इसलिए बस चूस के वापिस रख देता हूँ। इस तेज गर्मी में कुछ लोगों की जिंदगी एसी में कट रही है और हमारी एसी पेसी में। ओए सुन, अगर तूने मुझे हाँ नहीं बोला ना तो मैं अपनी हाथ की नस काट लूंगा। मम्मी इसको देख, यहाँ नस काटने की बात कर रहे, अगर तेरी एक भी खून की बूंद यहाँ गिरी ना तो मैं तेरा ईंट से सर फोड़ दूंगी। अभी मैंने यहाँ पोछा लगाया है। पागल, तुम भी पागल। तूफानों से कह दो कि अपनी औकात में रहें। हमारी गर्लफ्रेंड पतली सी है, अगर कहीं उड़ गई। यार औरतें ज्यादा झूठ बोलती है या मर्द? मर्द। कैसे कैसे क्या, मर्द बोलते हैं झूठ? हाँ, मर्दों को झूठ बोलने पर तो तुम औरतें ही मजबूर करती हो ना। अच्छा, कैसे? मेकअप करके आ जाओगे और पूछोगे बताओ कैसी लग रही हूँ। भैया मजबूरन झूठ बोलना ही पड़ेगा। वकील साहब, मुझे तलाक चाहिए मेरी पत्नी से। क्यों? अरे वो 5 महीने से मेरे से बात ही नहीं करती। एक बार और सोच ले बेटा, ऐसी पत्नी बार बार नहीं मिलती। पापड़ बोल तो पापड़। पापड़। आटा बोल तो आटा। ले चाटा। ये कौन छोड़ी पर मर गया, कौन भौजी पर मर गया? कि कौन छोड़ी पर मर गया, कौन भौजी पर मर गया? हम निकले गांव वाले तो हमें पर मौके पर मर गई। भाई तुझे वो अपने स्कूल की पूजा याद है जो पिंक कलर का बैग लेकर आती थी? हाँ हाँ वही वही। दो चोटी बना के आती थी? हाँ वही वही याद है भाई वो तो। और अंजलि याद है? वही जो नाक मुंगली डालती थी। हाँ वो भी याद है तेरे भाई को। और मैंने 2 दिन पहले 500 रुपए दिए थे, वो याद है? मैंने क्या किया? शर्म नहीं आती? ऐसी अफवाह फैलाते हो, ऐसी खूबसूरत, ऐसे माल माल मालदार खानदानी लड़की। क्या आपको पता है दोस्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इतना नहीं पता आप लोगों को? दोस्त को इंग्लिश में कहते हैं बेटा। यहाँ मेरी सेल्फी तक अच्छी नहीं आती, अच्छे दिन कहाँ से आएंगे? एक बार एक लड़के को फेसबुक पर पूजा नाम की लड़की से प्यार हो जाता है और जब उससे मिलने जाता है तब उसे पता चलता है कि वो लड़की नहीं बल्कि लड़का है जिसका असली नाम प्रेम है। फिर उसी दिन से लोग कहने लगे कि प्रेम ही पूजा है। ये कहावत आपको पता थी क्यों बोली जाती है? तो जनाब, लैला की शादी में एक लफड़ा हो गया, मजनू इतना नाचा कि लंगड़ा हो गया। आज वही मजनू हमारे साथ पूछते हैं उनकी मोहब्बत की दास्तान के बारे में। तो कैसी थी आपकी पुरानी मोहब्बत जिसकी शादी में आपने जी भर के नाचा और एक रिकॉर्ड बना दिया? अब क्या बताएं भैया, बचपन की मोहब्बत थी, चली गई, क्या कर सकते हैं हम। कुछ बचपन की यादें होंगी जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें? अरे भैया, मेरा दिल भी ले गई, मेरा चैन भी ले गई, हद तो तब हो गई जब मेरा 5 रुपए का पेन भी ले गई। रात में छत पे जाकर सो गया और मच्छर मुझे पूरी रात कमरे में ढूंढते रहे। सुनो जी। हाँ जी। मुझे एक नया आईफोन दिलाओ बस। अब आईफोन की जरूरत क्या पड़ गई? हमारी पड़ोसन भी नया आईफोन लेके आई है, मुझे भी चाहिए। यार ये पड़ोसन भी ना, अच्छा 6 महीने रुक जा, दिला दूंगा बस। 6 महीने क्यों, अभी क्यों नहीं? अरे पड़ोसन के फोन की किस्त तो निपट जान दे। बचपन में गिल्ली डंडा खेलकर जिंदगी बर्बाद कर ली, अगर क्रिकेट खेला होता तो आज अनुष्का शर्मा मेरी होती।
लगा कनवा में कना हुआ हो गए, पानी डाल के देखे सर फूल उल के निकल जाए। माल वो उधर से फोन कर रो खेली हलो हलो कर रही, फोन के चक्कर में जाने कान भीतर चल जीता हूँ लग रहा है। यार जाके दुकान से दही ले आओ। अरे यार तुम घर जमा लिया करो ना, सस्ता पड़ता और शुद्ध भी। मैंने शादी से पहले तुम्हें क्लियर कर दिया था। क्या क्लियर कर दिया था? अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। आजकल तो हमर कोनो बात नहीं कुछ सुना, तेरा ढेर दिन हो गया लात खिला। ककनी हाँ मुर्गा के मैंने लेग लेग पिछला दी का मुर्गा। हाँ जी लिया। हेलो हेलो बोला कहीं नहीं खू का बोली का बोली। अब तो शादी सेट हो गई। शादी सेट हो गई तो तेरा डांस करे आएगा ना, तो फिर हमरा इशारा पर नचबा कैसे। खूबसूरत होना किस्मत की बात नहीं है जनाब, इसके लिए मेकअप करना पड़ता है। सुनो जाओ जाके किलो पनीर ले आओ। क्यों? अरे मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं। परसों जब मेरे मॉम डैड आए थे तब क्या बनाया था? दाल। हाँ तो उसी को तड़का लगा दो। आपको पता है मुझे आपसे लड़ाई करके बहुत मजा आता है। पर मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। मैंने आपसे पूछा, जोर का झटका।